गाइस, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। मिशन रफ्तार की अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इंडियन रेलवेज़ के मिशन रफ्तार प्रोजेक्ट को लेकर बात करने वाला हूं। सिर्फ बात ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंदर मैं आपको लेकर आ चुका हूं और आज मैं आपको एक ट्रेन में ऑनबोर्ड रहकर प्रोग्रेस भी दिखाने वाला हूं कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंदर लखनऊ से गोरखपुर के बीच में क्या काम किया जा रहा है मिशन रफ्तार के तहत। देखिए, आप जानते हैं दिल्ली मुंबई लाइन या दिल्ली हावड़ा लाइन ही नहीं, भारतीय रेलवे के छोटे बड़े कई ऐसे रूट्स हैं जो कि यहाँ पे मिशन रफ्तार के तहत बदले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एक ऐसी इंप्लीमेंटेशन की जा रही है इन रूट्स के ऊपर जो आने वाले सालों का आप कह सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक प्लान है और बदलने वाला है आपका फ्यूचर। काफी आपको कन्वीनियंट, फास्टर और सबसे स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन आने वाले दिनों में मिलने वाला है इंडियन रेलवेज के अंदर। और मिशन रफ्तार के तहत इन्हीं में से एक लाइन है गोरखपुर से डोमिनगढ़ की, जिसके बीच में यहाँ पे थर्ड रेल लाइन का काम किया जा रहा है और इस वीडियो में उसी को दिखाने वाला हूँ। चलिए, ट्रेन जो है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। ट्रेन का नाम मैंने बताया ही नहीं, फिलहाल मैं ऑनबोर्ड हो चुका हूँ। रक्सौल से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए आए हैं, भारतीय रेलवे से जुड़े कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। फिलहाल सामने आप देख रहे हैं कृषक एक्सप्रेस के यहां पे एम्प्टी रेक्स जो हैं वो खड़े हैं और गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से सत्याग्रह एक्सप्रेस निकल चुकी है। देखिए, टाइमिंग वगैरह नहीं बताता हूं, ये एक अपडेट वीडियो है। जब मैं आपको जर्नी दिखाऊंगा तो उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स भी बताऊंगा। फिलहाल यहां से शुरू होता है आपका वो सेक्शन जिसके अंदर थर्ड रेल लाइन का काम यहां पे स्टार्ट हो चुका है। थर्ड रेल लाइन का काम आप यहां पे देख सकते हैं सामने किया जा रहा है। यहां पे ट्रैक्स जो हैं वो डाल दिए गए हैं, ट्रैक्स के अंदर स्लीपर और यहां पे जो रेल्स वगैरह हैं वो भी यहां पे लगभग इंस्टॉल हो चुकी हैं और जो ओएचई मास्ट है ना वो इरेक्ट किए जा रहे हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जाएगा, सिग्नलिंग सिस्टम भी यहां पे अभी इंस्टॉल किया जाना है। फिलहाल यहां पे बलास्ट आप देख सकते हैं और इन बलास्ट को अभी अच्छे से फिल किया जाएगा इन स्लीपर्स के अंदर। अभी फिलहाल ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। ये है आपकी गोरखपुर डोमिनगढ़ थर्ड लाइन जिसको यहाँ पे बनाया जा रहा है गोरखपुर से लखनऊ के बीच के आने जाने वाली ट्रेनों के लिए। ट्रेनें यहाँ से अब काफी अच्छी तरीके से स्मूथली निकल पाएंगी और ये जो पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट है ये गोरखपुर के यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डोमिनगढ़ से लेके कुसमही के बीच में बनाया जा रहा है। थर्ड रेलवे लाइन का ये प्रोजेक्ट 21.15 किलोमीटर लंबा है और इन प्रोजेक्ट्स के बन जाने के बाद यहां से चलने वाली ट्रेनें 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। आने वाले दिनों में सेमी हाई स्पीड वंदे स्लीपर जैसी ट्रेनें भी आएंगी जिनकी वजह से थर्ड रेल लाइन का काम आप यहां पे देख सकते हैं। कॉशन अभी आपने देखा बोर्ड का 80 किलोमीटर पर आवर का है और सामने आ चुका है डोमिनगढ़ रेलवे स्टेशन और यहां पे आपकी थर्ड लाइन खत्म होती है। लेकिन ये मत सोचिए, अभी गोरखपुर लखनऊ सेक्शन के ऊपर सर्वे चल रहा है और गोरखपुर से खलीलाबाद के बीच की जो लाइन है ना उसका सर्वे पूरा हो गया है। डीपीआर के लिए यहाँ पे जो पास है ना वो भेजा गया है, यानी आपका पहले खंड में गोरखपुर से खलीलाबाद तक का सेक्शन थर्ड रेल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन उसके बाद आप कह सकते हैं कि खलीलाबाद के आगे बस्ती, गोंडा, बाराबंकी के रास्ते होते हुए लखनऊ तक थर्ड लाइन बनाई जाएगी। और ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ पे जो ट्रेनों की रफ्तार है ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और ये जो आपका ओवरऑल गोरखपुर डोमिनगढ़ थर्ड रेल लाइन का प्रोजेक्ट है ये इस साल के अंत तक बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। ज्यादा बड़ा ये प्रोजेक्ट है नहीं, काम इनके ऊपर लगातार किया जा रहा है। बीते दिनों जिन लोगों ने यहाँ से सफर किया होगा वो ज्यादा अच्छे से इसकी प्रोग्रेस समझ पाएंगे। मैंने तो इस रूट पे लास्ट टाइम लगभग 2 महीने पहले ट्रैवल किया था, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा था कि यहाँ पे गोरखपुर से डोमिनगढ़ के बीच में थर्ड रेल लाइन बनाई जा रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन रेलवेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही ज्यादा आपको आने वाले दिनों में अच्छा ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा और यहां पर आपको खलीलाबाद की तरफ की भी मैं अपडेट अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप देख सकें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं आज की वीडियो में इतना ही रखता हूं, मिलता हूं आपसे बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए रखिएगा आप लोग अपना ख्याल। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय गाइज़।